बहुजन विकास अघाड़ी के नेता राजीव पाटिल ने दावा करते हुए कहा है कि पालघर लोकसभा सीट पर हम चुनाव प्रचार में एक नंबर पर चल रहे हैं, जबकि भाजपा जो है हमसे प्रचार में बहुत पीछे है, यानी 1,00,000 वोट से पीछे चल रही है। हमारी लड़ाई जो है सीधी भाजपा से है और भाजपा और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी उबाटा जो है दोनों आपस में दो नंबर कौन रहेगा उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो बहुजन को भूल गया उसका नसीब होगा खोटा, जो बहुजन को भूल गया उसका नसीब होगा खोटा। हमने देखा होगा कि उम्मीदवारी का फॉर्म भरने के लिए आमदार राजेश पाटिल के साथ में इतना जनसमुदाय है। ये तो बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता भी है और कॉमन मैन जनता भी पालघर डिस्ट्रिक्ट का ही है। पालघर में 3 आमदार बहुजन विकास अघाड़ी की है, वसी विरार महानगर पालिका 118 नगर सेवक है, जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत के मेंबर सदस्य सरपंच हमारे साथ में है, सब जनता हमारे साथ में है, सब जात धर्म के लोग साथ में है, आदिवासी है, OBC है, बहुजन है, हरिजन है, गिरिजन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब साथ में है। और दावे के साथ कहूँगा हमारी लड़ाई जो है ना वो BJP के साथ में है, बाकी किसी के साथ में नहीं, मगर हमारा कैंडिडेट आज के डेट में कम से कम 1,00,000 वोट से BJP से आगे है, इतना मैं दाव के साथ और यो चुन के आएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।